शंकर दिवाकर जी ने अपने किसी वक्तव्य में लिखा है कि उसके जन्म स्थान में उसके मकान के अलावा भी ऐसी कुछ संभावनाएं होती हैं कि कुछ पुरानी जगह, कुछ ऐतिहासिक बिल्डिंग, कुछ ऐसे उस जन्म क्षेत्र में रहे हों। अगर मंगल का प्रभाव आ रहा हो तो कुछ अशुभ प्रभाव आ रहा हो तो कुछ टूटी फूटी दीवार, ईंटों की बनी हुई दीवार जिस पर प्लास्टर ना हो, कुछ खंडर या कुछ और ऐसी पुरानी जगह वहां देखने को मिल सकती है। अगर जल तत्व राशियां और चंद्र का प्रभाव आ रहा हो तो कुछ पुराना जलाशय, कोई तालाब, कोई रुका हुआ पानी, कोई कीचड़, कोई नाला या नदी या ऐसे गंदा पानी इकट्ठा हो रहा हो, ऐसे संभावनाएं भी उस जन्म क्षेत्र में हो सकती है। पैतृक घर, चूंकि राहु दादा परदादा है, हमारे पितृ का कारक है और गुरु जीव है, तो गुरु ने ऐसे किसी ग्रह के साथ जन्म लिया है तो संभावना बनती है कि जिस घर में जातक का जन्म हुआ हो, यानी डिलीवरी तो हो सकता है हॉस्पिटल में हुई हो, पर उस समय जो घर रहा हो वह जातक का पैतृक घर हो या उसके दादा या परदादा का घर हो या उसे विरासत में मिला हुआ मकान हो, पुराना मकान हो या उसका पैतृक घर हो, यह संभावना बनती है। जन्म समय तकलीफ, जन्म समय तकलीफ हर जातक को होगी या जरूरी नहीं है। अगर गुरु थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, राहु उस पर अशुभ होकर अपना प्रभाव जमाए हुए है, क्योंकि गुरु ऑक्सीजन का कारक होता है, उपचार का कारक हो रहा होता है, डॉक्टर का कारक होता है, प्राणवायु का, तो संभावना बनती है कि जन्म से ही राहु के प्रभाव में आ जाने से कुछ जन्म समय मदर को प्रेगनेंसी टाइम में या डिलीवरी के बाद बच्चे को कुछ तकलीफ हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है। जैसे आज की देश काल परिस्थिति में ऑक्सीजन को लेकर बहुत समस्याएं देखी गई हैं बच्चों में, ऑक्सीजन उनको देना पड़ता है अलग से, तो अगर यह युति किसी कुंडली में प्रभावी हो रही है तो जन्म के बाद ऐसे जातक जातकों को थोड़ा सा केयर की, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत। पहले साल में जन्म के गुरु वहां होता है राहु के साथ और 12 साल के आसपास फिर से वहीं गोचर करता है, तो इन दोनों गोचर के टाइम पर ज्यादा केयर रखने की जरूरत होती है। आगे मैंने लिखा है रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्योंकि अगर गुरु कमजोर है, उसे आगे सपोर्ट नहीं मिलता है, राहु ज्यादा ताकतवर होकर गुरु से संबंध बनाए, तो ऐसे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बचपन में थोड़ी सी वीक देखी गई है, इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक देखा गया है, क्योंकि गुरु ने, राहु ने गुरु को कमजोर किया होता है और पूरा एक राउंड जब तक गुरु ना लगा ले तब तक उसकी ताकत में हमारी उम्मीद अनुसार वृद्धि नहीं होती, तब तक कम से कम इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। ऐसे जातक को बचपन से ही कुछ छोटी मोटी बीमारियां लगे रहना, जुकाम रहना, निमोनिया होना, बुखार आना, पेट खराब रहना, गैस की समस्या होना, बार बार फ्रेश होने जाना, ऐसी समस्याएं ऐसे जातक जातिकाओं में देखी गई। शारीरिक समस्याएं, जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो धीरे धीरे विकसित होती है, पर ऐसे जातकों को जिनमें गुरु थोड़ा सा कमजोर हो, हमेशा पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस से जुड़ी समस्याएं, श्वास संबंधी समस्याएं, लीवर, चूंकि गुरु लीवर का कारक है और राहु के प्रभाव में आने से वो फैटी हो सकता है, उसमें वृद्धि हो सकती है, उसका जो संचालन है वो राहु के प्रभाव से अनसिस्टमैटिक हो सकता है, बिगड़ सकता है, वसा की मात्रा बॉडी में अधिक हो जाती है, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है गुरु राहु के प्रभाव से, और यह हमें खाने पीने की आदतें भी थोड़ी सी विपरीत दे देता है, तो ऐसी सब समस्याएं होते हुए देखा गया है। शनि इस योग को प्रभावित करे तो संभावना बनती है कि श्वास स्नायु तंत्र से जुड़ी समस्याएं हों, सांस से जुड़ी समस्याएं हों, चंद्र संबंध करे, शुक्र संबंध करे तो ज्यादा खाने से फैट और लीवर की समस्याएं हो, फैट बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो समस्याएं, जो बीमारियां होती हैं उनकी संभावना प्रबल हो जाती है, कि वो एक उम्र के बाद, जैसे शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है जो अधिक कोलेस्ट्रॉल होने से बनती है, तो यह एक उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ सकती है, तो ऐसी सभी चीजों से जिनमें गुरु कमजोर हो रहा है थोड़ा सा केयर की जरूरत होती है। अगले पॉइंट पर आते हैं, दादाजी की स्थिति, पैतृक कर्म। दादाजी की स्थिति, जैसा मैंने कहा राहु दादा का कारक है और गुरु जैसे शुभ ग्रह ने राहु से संबंध बनाया तो निश्चित ही राहु को कुछ परिणाम मिले होंगे, यह निर्भर करेगा कुंडली में गुरु कितना ताकतवर होकर राहु से संबंध बना रहा है। अमूमन अधिकतर कुंडलियों में देखा गया है कि ऐसे जातक के या जातिकाओं के दादाजी की स्थिति अच्छी पाई गई है। अच्छी यानी वह प्रभावी व्यक्ति हो सकते हैं, वह जमींदार हो सकते हैं, वह रसूख वाले व्यक्ति हो सकते हैं, वह सम्मानीय व्यक्ति हो सकते हैं, वह अच्छे जाने माने व्यक्ति हो सकते हैं, उनका मान सम्मान अधिक हो सकता है, वह अच्छी संपत्ति रखने वाले, अच्छी प्रॉपर्टी रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। अगर अग्नि तत्व राशियों का प्रभाव हो, सूर्य इत्यादि ग्रहों का प्रभाव आ रहा हो, पंचम भाव का प्रभाव हो, वह नवम भाव का प्रभाव हो, तो वह सरकारी क्षेत्र या सरकार से जुड़े व्यक्ति भी हो सकते हैं, सरकारी तंत्र में किसी अधिकारी या कर्मचारी के स्तर पर हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, अगर धनु राशि, नवम भाव, मीन राशि का प्रभाव इत्यादि हो, तो ऐसे ये प्रभाव दादाजी पर देखे गए हैं अमूमन कई केसेस में। पैतृक कर्म, जैसा हम जानते हैं कि राहु जो है वो हमारे दादा परदादा या पैतृक का कारक है और गुरु हमारा भाग्य है, तो हमारा भाग हमारे पैतृक से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है,
तो संभावना बनती है, और ऐसे कई केसेस में पाया गया है कि जो जातक है वह अपने किसी पैतृक कर्म को फॉलो करता हुआ आ रहा है या पैतृक व्यवसाय या व्यापार को चलाता हुआ आ रहा है, ऐसा कई कुंडलियों में देखा गया। निर्भर करता है कि हमारा कर्म कारक ग्रह इस युति से संबंध बना रहा है या नहीं, यानी शनि का दशम भाव का या नवम भाव से अगर यह युति प्रभावित कर रही हो तो ऐसी संभावना बहुत प्रबल हो जाती है कि जातक अपने किसी पैतृक कार्य को फॉलो कर रहा हो, या जैसा पितृ या पैतृक या दादा या उसके पिता जो कार्य करते आए थे वैसे ही कोई कार्य वो कर रहा। अगला बिंदु है काल्पनिक दुनिया, अलग दिशा में सोच, शिक्षा, ज्ञान या ज्ञान का प्रसार। काल्पनिक दुनिया, जैसा हम जानते हैं राहु भ्रम है, माया है, स्क्रीन है, छाया है। यह ऐसा कहा गया है, श्रीनिवासन जी ने शायद अपने किसी वक्तव्य में कहा है कि ऐसे जातक एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, यानी दो दुनियाओं में वे डूबे रहते हैं या खोए रहते हैं। एक होता है इमेजिनरी वर्ल्ड और दूसरा होता है रियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी कल्पनाओं की दुनिया में, और एक हमारा जो वर्तमान जीवन है उस दुनिया में जातक खोए रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे जातक डे ड्रीमर होते हैं, यानी दिन में सपने देखने वाले, क्योंकि स्वाभाविक है राहु के प्रभाव में आ जाने के बाद इंसान कुछ अलग हटके सोचता है, कुछ दूर का सोचता है, कुछ भविष्य का सोचता है, वो वर्तमान में जीना पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि राहु सामान्य जीवन नहीं जीना चाहता, राहु को जो बड़ा करना चाहता है, राहु को जो विशाल करना चाहता है, राहु कल्पनाओं में कुछ बनाना चाहता है जिसे वो आगे जाकर साकार रूप दे सके। तो ऐसे जातक एक अलग दुनिया में खोए रहते हैं, एक अलग जीवन जीते हैं, एक कहीं दूर जाने की इच्छा रखते हैं, कुछ बड़ा करने की इच्छा रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नॉलेज लेने की इच्छा रखते हैं, सीमाओं को पार करके सीमाओं से परे कुछ करने की इच्छा। इसलिए इनकी सोच जो होती है वो हमेशा अलग दिशा में होती है। सामान्य लोगों के बीच इनकी सोच शायद मानना ना की जाए, पर जिस दिशा में सोच रहे हैं जब उस दिशा में पहुंच जाते हैं तो इनकी सोच को, इनके विचारों को बहुत मान्यता दी जाती है, क्योंकि इनकी दिशाएं, इनकी सोच हमेशा आगे की भविष्य की कल्पनाओं की सीमाओं से बाहर या परे की होती है। शिक्षा, अपने इस स्वभाव के कारण इनकी शिक्षा का स्तर अच्छा हो या जरूरी नहीं है। वैसे तो आज की देशकाल परिस्थिति में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है और हर जातक जातिका को पढ़ाया अच्छे से ही जाता है, पर फिर भी अगर यह युति प्रभावी है कुंडली में तो वह जातक जो है वो अपने शिक्षा के दिनों में एक सिंसियर या सीरियस स्टूडेंट हो जरूरी नहीं है, क्योंकि शिक्षा हमारी एक सामान्य शिक्षा प्रणाली होती है जिससे जातक प्रभावित रहता है, और उस सामान्य शिक्षा को यह जातक फॉलो नहीं करना चाहता, क्योंकि वह चाहता है कुछ अलग करना, कुछ डिफरेंट करना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नॉलेज लेना चाहता है, वो देश दुनिया के बारे में जानना चाहता है, वो दूर की सोच रखता है। इसलिए जो हमारा नॉर्मल सिस्टम होता है, एजुकेशन सिस्टम, उसे ये फॉलो नहीं करना चाहता। इसलिए अमूमन ऐसे जातक अपने शिक्षा के दिनों में ही कुछ नए नए कार्य करने का सोचते हैं, करते भी हैं, और कई बार वह अपनी सामान्य संस्कृति, देश, समाज, क्षेत्र की शिक्षा प्रणाली से अलग हटकर कुछ और सीखने के लिए नए नए सेंटर्स ज्वाइन करते हैं, अलग अलग गुरुओं से मिलते हैं, कुछ नया सीखने के लिए कुछ बाहर से जुड़ा हुआ, कुछ विदेशों से जुड़ा हुआ, अलग सीमाओं से जुड़ा हुआ, अलग धर्म, अलग प्रथाओं से जुड़ा हुआ ज्ञान लेने की ये लोग कोशिश करते हैं, और गूगल से, इंटरनेट से, अलग अलग गुरुओं से, अलग अलग सेंटर्स के माध्यम से, ऑनलाइन यहाँ से बैठकर किसी दूसरे देश से या लोगों से जुड़कर ये लोग कुछ नया नया डिफरेंट टाइप का विशाल कार्य करने की खोज में लगे रहते हैं। तो इनका शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो जरूरी नहीं है। शिक्षा के पूर्ण अध्ययन के लिए हमें बुद्ध और पंचम भाव का भी अध्ययन करना होगा, तभी हम शिक्षा के बारे में पूर्ण अध्ययन तक पहुंच सकते हैं। अमूमन गुरु राव की युति में जो देखा गया वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है। ज्ञान या ज्ञान का प्रकार, जैसे मैंने कहा ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नॉलेज रखते हैं, इसलिए इनके ज्ञान के क्षेत्र बहुत हो सकते हैं। अगर यह युति गुरु की राशियों में हो, पंचम नवम भाव प्रभावित करिए, तो निश्चित रूप से ये जो सोचते हैं वह पाने में भी सक्षम हो पाते हैं। कई लोग इस दिशा में ज्ञान के क्षेत्र से भी जुड़े देखे गए हैं, टीचिंग, कंसल्टेंसी, सलाह, ज्योतिष, गुप्त ज्ञान, तंत्र मंत्र से भी जुड़े ये लोग देखे गए हैं, और इनमें इन्होंने प्रसिद्धि भी हासिल की है, क्योंकि राहु गुरु जब मिलते हैं तो विशाल रूप से आपको स्थापित करने में तो सक्षम होते ही है। आगे का हमारा बिंदु है मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, स्क्रीन, गैजेट्स, फोटोग्राफी का प्रयोग या रुचि। देखिए, जैसा मैंने कहा, राहु छाया है, राहु स्क्रीन है, राहु कल्पनाएं हैं, राहु भ्रम है, राहु सीमाएं हैं। तो और जैसा ऊपर बताया गया कि यह एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, तो कलेक्शन ऑफ इमेजिनेशन यानी हमारी कल्पनाओं का संग्रह जो होता है वो गैजेट्स में होता है, टीवी में होता है, मोबाइल में होता है, इंटरनेट की दुनिया में होता है। तो इन्हें इन गैजेट्स से, इन मोबाइल, टीवी, इंटरनेट इत्यादि से बहुत लगाव होता है। खासकर अगर इस स्थिति में मंगल का प्रभाव आ रहा हो तो यह योग और प्रबल हो जाता है कि इन्हें गैजेट से, स्क्रीन से, टीवी से, मोबाइल से या मशीनों से बहुत लगाव हो, फोटोग्राफी से बहुत लगाव हो, क्योंकि मंगल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को शो करता है। राहु अपने आप में छाया है ही, मशीन को शो करता है मंगल, राहु अपने आप में छाया है ही,
इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है ऐसे जातकों की, वो मोबाइल के माध्यम से या गैजेट्स के माध्यम से पूरी होती है, टीवी के माध्यम से पूरी हो सकती है। अगर हम कहें कि कोई अगर उम्र में बड़े जातक हैं या जातिका हैं, तो वो टीवी देखकर, टीवी सीरियल, मूवी या कुछ पसंदीदा प्रोग्राम जैसे रियलिटी शोज, मैजिक शोज या डिस्कवरी चैनल इत्यादि देखकर अपनी इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और अगर युवा वर्ग है या बच्चे हैं, तो वह मोबाइल का बहुत प्रयोग करके अपनी इमेजिनेशन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, स्क्रीन के साथ जुड़े रहते हैं, गैजेट्स के साथ जुड़े रहते हैं। फोटोग्राफी को भी इनका बहुत शौक होता है, क्योंकि फोटोग्राफी का जो प्रोफेशन या कार्य है वो पूरी तरह से छाया से जुड़ा हुआ है, और छाया में इनका विशेष लगाव होता है। अपने मोबाइल से भी ये फोटोग्राफी या इमेज को बनाना, इमेजेस में चेंजेस करना, आजकल ऐसे बहुत से एप्लीकेशन आते हैं जिनमें वीडियोस और इमेजेस में हम एडिट कर सकते हैं, तो उनका ये बहुत प्रयोग करते हैं। वैसे साधारण रूप से कहें तो आजकल अमूमन सभी बच्चे ही इस प्रभाव में आ चुके हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आज का हमारा जो युग है वो राहु प्रभावी युग है, तो सभी बच्चों का, युवा वर्ग का इस प्रभाव में आना लाजमी है। पर अगर गुरु राहु की युति बनी है या उसमें मंगल भी शामिल है, चंद्र भी शामिल है, तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा इसमें लिप्त हो सकते हैं, पाए जाते हैं। अक्सर ऐसे बच्चों को आप देखेंगे कि वो खाना खाते समय भी बिना टीवी के, बिना मोबाइल पर या बिना गेम के, बिना यूट्यूब के खाना नहीं खाएंगे, या थोड़े से बड़े होंगे तो आप देखेंगे कि वो दिन भर या रात में भी आधी आधी रात तक या पूरी पूरी रात तक गेम्स में या मोबाइल में कोई ना कुछ कुछ ना कुछ अपना रिक्वायरमेंट को पूरा करते रहते हैं। कई बच्चे ईयरफोन्स को दिन भर या बहुत घंटों तक, लंबे समय तक रात में भी कान में लगाकर सो जाते हैं। ऐसे जो बच्चों में आप देखेंगे तो राहु का प्रभाव बहुत देखेंगे, स्पेशली गुरु राहु, मंगल राहु या चंद्र राहु के केसेस में ये बहुत देखने को मिलता है। अगला हमारा बिंदु है सोने उठने के समय में अनियमितता। निश्चित रूप से जब आप पर छाया का प्रभाव होगा, आप गैजेट्स का बहुत ज्यादा प्रयोग करते होंगे, आप इमेजिनेशंस में डूबे होंगे, तो आपके सोने उठने के समय में अनियमितता आ सकती है या डिसबैलेंस हो सकता है, क्योंकि अंधेरा जब होता है तो छाया प्रभावी होती है। जब भी छाया बनती है तो वो अंधेरे में बनती है, तो रात जब होती है तो ऐसी इमेजिनेशंस और सक्रिय हो जाती है, क्योंकि राहु और चंद्र जैसे ग्रह जो होते हैं वो रात्रि प्रभावी ग्रह होते हैं। तो जब रात होती है यह ग्रह प्रभावी हो जाते हैं, और इनके प्रभावी होने से इंसान की इमेजिनेशंस भी प्रभावी हो जाती है। फिर ये अपनी इमेजिनेशन के लिए सोचते हैं या इनके विचार उठते हैं या गैजेट्स, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट के जरिए यह इमेजिनेशन को, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते रहते हैं नए नए रूप में, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट, यूट्यूब, वीडियो, ऑडियो के माध्यम से। और इनका, और नहीं भी प्रयोग करते हैं तो अक्सर इन्हें नींद थोड़ी सी लेट आती है, ऐसा देखा गया है, अगर गुरु को राहु ने प्रभावित किया हो ताकतवर होकर। और रात में देर से सोने के कारण ये अक्सर सुबह लेट उठते हैं, और कई जातक जातिका देर से या बहुत आराम से उठने वाले देखे गए हैं, और जिससे इनको सुबह की जो शुद्ध प्राणवायु है वो भी नहीं मिल पाती है। कभी कभी देखा गया है कि कुछ जातक जातिका टाइम पर तो सोते हैं, पर रात में एक बार नींद खुल जाए तो उन्हें आराम से फिर नींद आती नहीं, क्योंकि विचार फिर इन्हें पकड़ ले। अगर यह युति कुंडली के पंचम नवम भाव में गुरु की राशि में बनी तो यह प्रभाव कम देखे गए हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत से देखे जरूर गए। और अगर बहुत अच्छी युति हो, बहुत सुपरिणाम देने वाली हो, पंचम नवम गुरु की राशियों में हो, तो कई जातक धर्म आध्यात्मों को विशेष रूप से मानने वाले होते हैं, तो वे अच्छी दिनचर्या का पालन भी करते हैं, पर वो प्रतिशत बहुत कम होगा। खाने पीने, घूमने, मित्रता, संगत आदतें, विदेश के प्रति रुचि। राहु हमेशा हमें विपरीत में रुचि देता है। राहु जो हमारे संस्कार है, हमारी प्रथा, हमारे समाज, हमारे धर्म से विपरीत या उससे कुछ अलग करने की सोच हमें, तो खाने पीने की आदतें भी वो हमें, हमारी जो देश की मान्यताएं हैं, हमारी जो शरीर को जो सूट करता है, ऐसे खाने पीने की आदत ना देकर उसे कुछ आकर्षक, कुछ पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित जंक फूड, फास्ट फूड या बहुत ज्यादा ऑयली, मसाले वाला या बहुत ज्यादा स्पाइसी, ऐसा खाने की आदतें दे सकता है राहु गुरु का प्रभाव। अगर इसमें चंद्र राहु शामिल होते हैं तो या इनकी राशियों का प्रभाव है, तो यह प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ेगा, और अपने खाने पीने की आदतों के कारण यह बहुत अपने शरीर का नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इन्हें यह ख्याल रखना चाहिए कि इन्हें खाने पीने की आदतों को हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। घूमने की आदतें, क्योंकि ये नया नया देखना चाहते हैं, सीमाओं को पार करना चाहते हैं, अपने कल्चर से विभिन्न या अपने कल्चर से विपरीत किसी कल्चर को जानना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसे घूमना चाहते हैं, तो इसलिए घूमते बहुत है, और विदेश जाने में भी इनमें बहुत इंटरेस्ट है। इस कारण से अगर यह युति थोड़ी सी अशुभ हो रही हो, गुरु थोड़ा कमजोर हो और राहु ज्यादा बलवान होकर उसे प्रभावित कर रहा हो, और चंद्र या शुक्र का भी प्रभाव आ रहा हो, तो संभावना बनती है कि बचपन में इनकी मित्रता जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं होती, इनकी गलत संगतें पड़ने की थोड़ी सी संभावना बनती है, जिसमें झूठ बोलना,
बचपन में कुछ नशे की आदत हो जाना, जैसे सिगरेट की आदत हो जाना, कम उम्र में ड्रिंक करने की आदत हो जाना, झूठ बोलने की आदत हो जाना, थोड़ा ऐसी कुछ आदतें देखी गई हैं। गलत संगत में लिप्त हो जाना कुछ समय के लिए, ऐसी आदतें देखी गई हैं। पर यह हमेशा रहे ऐसा जरूरी नहीं है, और हमेशा ही गुरु रहूंगा ऐसा होगा वो भी जरूरी है। जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत सुख और कुछ गलत परिणाम भी देखने को मिलते हैं, तो वो हमें कंसिडर करके देखना है। विदेश के प्रति रुचि होती है क्योंकि मैंने कहा कि ये इमेजिनेशन है, बहुत दूर का सोचते हैं, बहुत विशाल सोचते हैं, तो अपनी देश का परिस्थिति, अपने धर्म, समाज, प्रथा, संप्रदाय से थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा अलग जाकर ये लोग जानना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। अगर कुंडली में बुध इस युति से प्रभावित हो रहा हो, पंचम भाव से कोई प्रभाव आ रहा हो, तो निश्चित रूप से एजुकेशन के लिए, और अगर हमारे कर्म कारक ग्रह दशम भाव शनि प्रभावित हो रहे हो, तो निश्चित रूप से अपने ये जॉब के लिए या अपने प्रोफेशन के लिए भी विदेश जाने की इच्छा भी रखते हैं। और अगर प्रभाव पॉजिटिव हो और शनि स्ट्रांग हो या हमारा बुध स्ट्रांग हो, तो यह पढ़ने या जॉब करने के लिए या किसी भी व्यापार व्यवसाय को विदेश में स्थापित कर सकते हैं और विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। मान सम्मान रुचि गुरु या गुरु प्रथा का मानना। देखिए, अगर गुरु कमजोर हो, राहु थोड़ा सा अशुभ होकर गुरु को प्रभावित कर रहा हो, तो ये अपने से बड़ों का या गुरुओं का या टीचर्स का कम सम्मान करते देख रहे हैं, उन्हें कम फॉलो करते देख रहे हैं, अपने बड़ों की बात कम मानते देख रहे हैं। कारण ये है क्योंकि यह है सामान्य गुरु, सामान्य बड़े जो हमारे घर के होते हैं, जो हमारे सलाहकार होते हैं, वह हमारे वर्तमान जीवन, हमारी देश काल परिस्थिति, हमारे समाज, हमारे संस्कार, हमारी प्रथा के अनुसार हमें सलाह देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमसे अनुसरण करने का कहते हैं। पर चूंकि राहु का प्रभाव है, तो हम थोड़ा सा विपरीत में रुचि रखते हैं, कुछ आगे का सोचते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ विशाल सोचते हैं और वैसा ही करना चाहते हैं। इसलिए हम कम समय में ज्यादा पाना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी हम ऐसे जातक जो होते हैं वो बड़ों को मान सम्मान प्रॉपर नहीं दे पाते हैं, उनकी बात को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उनमें और बड़ों में थोड़ा सा द्वंद्व देखा गया है। पर यह युति अगर गुरु के प्रभाव में, गुरु ताकतवर है या गुरु की राशियों का प्रभाव है, तो यह संभावना बहुत अधिक बनती है कि यह बहुत सारे गुरु बनाते हैं अपने जीवन, क्योंकि गुरु हमारे जीवन में गुरुओं का कारक है, सलाहकार का कारक है, टीचर का कारक है, बड़े सम्मानीय लोगों का कारक है। और राहु अगर उसके साथ है, तो वह उसे भी वृद्धि कर देता है, उसे भी विशाल बना देता है। तो यह एक से अधिक गुरु भी बनाते हैं और सबकी बातों के, सबका अनुसरण करके बहुत बड़ा अपना एक ज्ञान का अपना एक बहुत बड़ा आधार तैयार कर लेते हैं, और भिन्न भिन्न तरह का ज्ञान भिन्न भिन्न गुरुओं से, भिन्न भिन्न लोगों से, या अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग माध्यम से ये लोग जुड़कर लेते हैं। गुरु प्रथा का मानना। इस योग में अक्सर देखा गया है कि यह बड़ी बड़ी गुरु परंपराओं को मानने वाले होते हैं। अगर इस युति पर गुरु की राशियों का प्रभाव है, पंचम नवम द्वादश भाव का प्रभाव है, तो ऐसे जातक या इनके परिवार में बड़ी बड़ी गुरु प्रथाओं को मानने का चलन देखा गया है। क्योंकि गुरु राहु का योग है, गुरुओं में भी राहु वृद्धि कर देता है, तो कई लोगों के घर में अलग अलग तरह की परंपराएं देखी गई है। कोई किसी परंपरा को, कोई जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी गुरु हैं या उनकी गुरु परंपराएं हैं या चेन सिस्टम है उनका, उनके चैनल, उनके वीडियोज, उनके यूट्यूब वीडियोज देखकर ये लोग गुरु प्रथा का अनुसरण करते हैं, बड़े बड़े गुरुओं को मानते हैं, तो ऐसा कुछ इनका जीवन होता है। कहीं एक पॉइंट में जहाँ कर्म की बात आ रही थी, पैतृक कर्म की बात आ रही थी, वहाँ एक मोबाइल टीवी इंटरनेट की बात आ रही थी, वहाँ एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा कि ऐसे लोग फोटोग्राफी में, एक्टिंग में, कला के क्षेत्र में, ऑनलाइन जितने काम होते हैं या प्रोसेस होती हैं या कर्म होते हैं जिनसे ऑनलाइन पैसा कमाया जाता है, ऐसे प्रोफेशन में, फोटोग्राफी में, फिल्म निर्देशन में, डायरेक्शन में और फिल्म मेकिंग में, स्क्रिप्ट राइटिंग में, स्टोरी राइटिंग में, यूट्यूब चैनल बनाने में या उसका प्रचार प्रसार करने में, ब्लॉग्स लिखने में, और कई तरह के ऐसे बिजनेस मेरे सुनने में आए हैं जो ऑनलाइन होते हैं या यूट्यूब के माध्यम से होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, उन सभी में ये जातक अच्छा काम करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि इनकी कल्पनाएं बहुत प्रबल होती हैं, इनकी इमेजिनेशन बहुत दूर की होती है, बहुत दूर का, बहुत भविष्य का सोचते हैं। वेडिंग प्लानर जो होते हैं, इवेंट मैनेजर जो होते हैं, जिनका काम ही कल्पनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने का होता है, इन क्षेत्रों में ये जातक बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि यह भविष्य में जीते हैं और यह सभी जो प्रोफेशन है वो भविष्य पर ही डिपेंड करते हैं, या छाया पर डिपेंड करते हैं, स्क्रीन की दुनिया पर डिपेंड करते हैं, अपनी इमेजिनेशन को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में अगर यह जातक बढ़ रहे हैं, विदेश में कोई बिजनेस करना हो, विदेश में सेटल होना हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना हो, कोई बड़ा काम करना हो, तो ऐसे जातक बहुत अच्छा कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में यह योग शुभ रूप में बन रहा हो और शनि उस योग से संबंध बना रहा हो, तो निश्चित रूप से यह अपने कल्पनाओं की दुनिया को साकार करने में सक्षम होते हैं और अच्छा नाम, शोहरत और पैसा, धन काफी
अपने क्षेत्र से यह प्राप्त करते। कई बार ऐसे जातक ज्ञान के क्षेत्र से भी जुड़े देखे गए हैं, ज्योतिष के क्षेत्र से भी जुड़े देखे गए हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव तो है ही राहु पर। और अगर धनु राशि, मीन राशि, अच्छी शुभ शुक्र की राशियों का प्रभाव, पंचम नवम या द्वादश भाव का प्रभाव, तो इन क्षेत्रों में ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के प्रचार प्रसार या टीचिंग के क्षेत्र में भी कुछ जातक देखे गए हैं, अच्छा काम करते हुए देखे गए हैं। अगर ये ज्ञान के क्षेत्र से भी जुड़ते हैं, गुप्त ज्ञान के क्षेत्र से भी जुड़ते हैं, तो भी अपने आप को विशाल रूप देने में सक्षम होते हैं। अगर ये ज्योतिष या गुप्त ज्ञान से जुड़ते हैं तो इनमें सिद्धियां प्राप्त करने की, तंत्र मंत्र की, जादू की और ऐसी कई शक्तियां हासिल करने की इच्छा भी रहती है। और कितना हद तक या इसमें सफल होते हैं इसका मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं इन क्षेत्रों से भी ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं हूँ इसलिए। पर इनकी रुचि हमेशा सिद्धियों को प्राप्त करने की, कुछ गहरे, कुछ ऐसे देवी देवताओं से सिद्धि हासिल करने की, आत्माओं की बात ये लोग बहुत करते हैं, शमशान से शक्ति हासिल करने की लोग बहुत बात करते हैं। तो हर तरह के प्रभाव देखे गए हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग ज्ञान, यानी ज्ञान के क्षेत्र में भी जुड़े होंगे तो यह बहुत ज्ञान को विशाल कर लेते हैं अपने, क्योंकि गुरु ज्ञान है और राहु से विशाल बना देता है। तो एक क्षेत्र को न पकड़कर या कई क्षेत्रों में ज्ञान को अपना विशाल रूप में पाने की क्षमता रखते हैं और लेने का प्रयास करते हैं। अब हम आज के अंतिम बिंदु पर आते हैं, वो है उपाय। इस युति में उपाय क्या होने चाहिए? बहुत ज्यादा उपाय की मैं बात कभी नहीं करता हूँ, कुछ उपायों की मैं बात करता हूँ। जो अभी हमने कारकों के रूप में ऊपर समझा उसे ही मैं उपाय के रूप में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे सबसे पहले गुरु हमारी कुंडली में भाग गया, हमारा ऑक्सीजन है, प्राणवायु है। तो जब भी किसी जातक की कुंडली में गुरु राहु का योग बनता है तो उसे अपनी प्राणवायु को, अपनी ऑक्सीजन को सबसे पहले शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि गुरु प्राणवायु और ऑक्सीजन है और राहु अपने प्रभाव से उसे प्रदूषित करता है या उसे दूषित या विषाक्त से उसके जीवन में, उसके शरीर पर उसका प्रभाव आता है। तो उसे शुद्ध करने के लिए ऐसे जातक को सबसे पहले सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी जो वातावरण होता है उसमें प्राणवायु बहुत शुद्ध होती है, ऑक्सीजन बहुत प्योर होती है। तो ऐसे जातक को सुबह उठना चाहिए और सुबह उठकर ऐसी जगह पर जाना चाहिए, ऐसी हरी भरी हरियाली वाली जगह पर जाना चाहिए जहाँ इनको प्रॉपर और अच्छी प्राणवायु प्राप्त हो सके, यानी पेड़ पौधों के पास। और इन जातकों को योगा और व्यायाम और प्राणायाम जरूर करना चाहिए, खासकर मैं कहूंगा प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि अपने शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन को लाने का बहुत बढ़िया स्रोत होता है प्राणायाम और योगा की अन्य क्रियाएं, इन्हें जरूर करनी चाहिए। इससे इनके शरीर के अंदर का संतुलन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि राहु अनसिस्टमैटिक प्लैनेट है, वे हमारी दिनचर्या को, हमारे अनुशासन को, हमारी लाइफ स्टाइल को पूरा अनसिस्टमैटिक बनाता है। देर तक जगाकर, सुबह देर तक उठाकर, तो जितना हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, जितना हम अनुशासन में रहेंगे, जितना हमारा सोने का जागने का समय स्थिर होगा, उतना ही हमारे जीवन में राहु का प्रभाव कम होगा या राहु शुभ प्रभाव में आने लगेगा। और गुरु चूंकि अनुशासन का कारक है, नीति का कारक है, न्याय का कारक है, लीगल प्लैनेट है, तो वह उसका प्रभाव हमारी कुंडली में मजबूत हो जाएगा। उपचार का कारक है तो हमें आरोग्य भी देगा। और सूर्य डिसिप्लिन प्लैनेट है, जब हम डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं तो सूर्य का प्रभाव भी हमारे जीवन में बढ़ जाता है। तो गुरु सूर्य मिलकर राहु के प्रभाव को कुछ हद तक कम करते हैं। हमारे सोने और उठने का समय निश्चित होना चाहिए, हमें टाइम पर सोने का प्रयास करना चाहिए और सोने से कुछ घंटे पहले हमें गैजेट्स को और अपनी कल्पनाओं को रोकने का प्रयास, और सुबह जल्दी उठकर हमें एक सिस्टम को फॉलो करना चाहिए और अच्छी सुबह की प्राणवायु को और सकारात्मक एनवायरनमेंट में जो ऊर्जा होती है उसे ग्रहण करना, व्यायाम करना चाहिए। अगर कुछ जातक जो होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, अच्छी बात है अगर वो व्यायाम से जुड़े हुए हैं, पर मेरी सलाह होगी अगर वो योग प्राणायाम नहीं कर रहे हैं तो उसे जरूर प्राथमिकता दें। दूसरा, खाने पीने के जो हमारी बॉडी पर जो सुप्रभाव आ सकते हैं उसको तो हम एक योग प्राणायाम एक्सरसाइज से जो सिस्टम बनाकर पूरा करेंगे। साथ साथ खाने पीने चीजों का ख्याल रखेंगे कि हमें फैटी जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा फैटी फूड हमें नहीं खाना है। हमें सुपाच्य और सरल भोजन को खाना है जो आसानी से पच जाए और जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को, वसा को बहुत ज्यादा ना बढ़ाए। ऐसे फूड हमें लेना है और ऐसे खाने का हमें सेवन करना है जिससे हमारे शरीर की जो अंदर की क्रिया है वो संतुलित चलती रहे, हमारे लीवर पर, हमारे फैट ज्यादा प्रभाव ना आए। जब हम योग प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में सुधार भी होता है और हमारा स्नायु तंत्र की जो समस्या है उनमें भी कमी आने का चांसेस रहते हैं। तो हमें योग प्राणायाम जरूर करना चाहिए। खाने में जैसा मैंने कहा कि हमें सुपाच्य और सरल
भोजन करना चाहिए, साथ ही हमें रखे हुए खाने से या बासी खाने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु जो बैक्टीरिया का कारक होता है सड़े हुए या बासी या रखे हुए खाने पर अपना प्रभाव जमा लेता है। तो ऐसे जातक को, ऐसे इंसान को 2-3 घंटे से ज्यादा पुराने रखे हुए खाने को नहीं खाना चाहिए। सुबह का खाना शाम को, शाम का खाना सुबह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस पर राहु का बैक्टीरिया का प्रभाव। दूसरा, फ्रिज में ठंडे किए गए या माइक्रोवेव ओवन इत्यादि में गर्म किए गए खाने का भी प्रयोग मेरे अनुभव से बचना चाहिए करने से, क्योंकि जो गैसेस फ्रिज में और माइक्रोवेव में खाने को गर्म या ठंडा करती है उनमें भी कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव होता है, क्योंकि विषाक्त किसी चीज को राहु ही करता है। और कहा जाता है कि ये गैसें जो होती है वो जहरीली होती है और हमारे खाने में बैक्टीरिया उत्पन्न करती है, कुछ उसे विषाक्त बना देती है। तो ऐसे खाने का भी, ऐसे जातकों को सेवन नहीं करना चाहिए, उनकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता। गुरुओं को मानना चाहिए, धर्म को मानना चाहिए और अनुशासन से उनका पालन करना चाहिए। गुरु आपके कौन है यह विषय नहीं है, आप अपना समर्पण, आप अपना अनुशासन, आप अपनी मान्यता कितनी रखते हो यह बड़ी बात है। तो उसका पालन आपको अपनी तरफ से पूरा करना, और डिसिप्लिन को जीवन में लाना चाहिए और अपनी संगत को ठीक रखना चाहिए। और जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, वो करते रहिए, उसमें नियम का पालन जरूर करें, समय को निश्चित करें, उठने का समय निश्चित करें, तभी करें, जितना हो सके नियम का पालन करें। और अगर आप कर्मकांड कर रहे हैं अच्छी बात है, पर आप अपने जीवन में ध्यान को शामिल कीजिए, क्योंकि ध्यान स्थिरता देता है, ध्यान हमें अशुभ कल्पनाओं से मुक्ति देता है, ध्यान हमें वर्तमान में लाता है, और राहु वर्तमान में जीना नहीं चाहता। वर्तमान में जो लाने का कारक है वो केतु ग्रह, और केतु को हम जितना प्रभावी करेंगे अपने जीवन में उतना ही राहु का प्रभाव हमारे जीवन में कम हो। तो केतु के प्रभाव को अपने जीवन में बढ़ाएं, अपने आप को स्थिर रखें, अपने आप को धैर्यशील रखें, अपने आप को ध्यान से जोड़ें, प्राणायाम से जोड़ें, योग से जोड़ें, और ऐसे देवी देवताओं की आराधना करें जिसमें आप इन चीजों को कंट्रोल कर पाए, या जिनके रूप में आपको ध्यान दिखता हो, मुक्ति दिखती हो, सैक्रिफाइस दिखता हो, ठहराव दिखता हो, ऐसे देवी देवताओं का आप अनुसरण करें या पालन। आज के लिए बस इतना ही, कुछ रह गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ।